लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने 14 अप्रैल तक का पूरे देश में लॉकडाउन किया है। सारे दुकान, सारे प्रतिष्ठान, जितने भी कारोबारी संस्थान, प्राइवेट साधन आने जाने के सारे बंद, और तौर पर ये नागरिकों से आह्वान किया है कि आप अपने घरों में बने रहिए, क्योंकि कोरोना से के संक्रमण से बचने का जो सबसे आसान रास्ता वो ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, यह संक्रामक बीमारी तेजी से फैल सकती है। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के मुखिया जो है सीएम उद्धव ठाकरे साहब ने, उन्होंने भी कहा कि आप अपने घरों में बने रहिए, क्योंकि पूरे देश में दो ऐसे राज्य हैं, एक केरल और दूसरा महाराष्ट्र, जिसमें कोरोना संक्रमण का खतरा जो है सबसे ज्यादा, यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग पाए गए हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप खुद बहुत सारे हैं और इसीलिए लॉकडाउन है, लोगों को अपने घरों में बंद रहने के लिए कहा गया है। लेकिन चूंकि मीडिया की जिम्मेदारी है कि बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचाएं, तो हम अपनी ड्यूटी में भी हैं और अपनी सेफ्टी और जो वो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखते हुए हम आपसे जुड़कर आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करते रहना है और इसके लिए जरूरी है कि आपसे कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट एक बना। तो कल जैसा कि आपने देखा था, हमने टीवी वन इंडिया चैनल के माध्यम से जो एक उद्यमी है धीरज अग्रवाल जी, उनसे हमने बात की थी, और MIDC में जिस तरह की कंडीशन है वहां पर, किस तरह से कामगारों की हालत क्या है, पूरा इंडस्ट्री बंद है, पूरा लॉकडाउन है, सब काम धंधा रोजी रोटी सब ठप है, ऐसी कंडीशन में लोग कैसे जी रहे हैं, क्योंकि अधिकांश उसमें ऐसे लोग थे जब वो कमाते थे तब जाकर उनका रोज का चूल्हा जलता था, जो दैनिक कामगार लोग हैं इन सबकी हालत खराब है। ऐसे में हमने कल धीरज अग्रवाल जी के जरिए ये बताने की आपको कोशिश की, उनके जरिए समझाने की आपको, आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की कि इस लॉकडाउन से किस तरह से आर्थिक जो नुकसान हो रहा है, खामियाजा जो सामान्य लोग जो आम कामगार हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। आज लॉकडाउन का छठवां दिन है, APMC की फल सब्जी और अनाज मंडियों को चालू किया गया ताकि जीवन आवश्यक चीजें आप तक आसानी से पहुंचे, किसी तरह की किल्लत ना हो, और उस इस लॉकडाउन के बीच में जो दुकानदार या जो इस तरह का जीवन आवश्यक वस्तुओं का घरेलू जो सामान है, जो खाने पीने की चीजें हैं, उसमें कालाबाजारी न करने पाए, इसलिए आपकी सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने APMC की मंडियों को चालू रखने का आज निर्णय लिया था, और आज सारी मंडियां चालू हैं, बहुत सारे लोग वहां पर आए हैं। पुलिस जो है अपने तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश में है, जैसा कि कोकण कमिश्नर और महानगर पालिका आयुक्त ने एक निर्देश दिया है कि एक समय में APMC में 200 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होने पाए, उनके निकलने के बाद दूसरी गाड़ियों को एंट्री जाए। उसी तरह से जो APMC में ये काम करने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या नियंत्रित रखी जाए, ताकि किसी तरह का संक्रमण फैलने का खतरा ना हो। जैसा कि शनिवार को हुआ था कि अनियंत्रित भीड़ हो गई थी, तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग APMC में पहुंच गए थे, उसमें ट्रक चालक, टेम्पो चालक, जिनके जरिए राशन और दूसरी जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचने वाली थी, तो ये जो भीड़ थी उससे बड़ा खतरा जो है वो एक संकेत मिल रहा था कि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये बड़े खतरे के रूप में बढ़ सकता है, क्योंकि उसका इंक्यूबेशन। इसलिए आज प्रशासन ने बहुत ही अलग तरह की व्यवस्था की, जगह जगह सड़कों पर पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई, चेक पोस्ट लगाया है, और जो अति आवश्यक कार्यों के लिए जाने वाले लोग, शहर में आने वाले लोग, खासकर APMC के आसपास आने वाले लोग जो है उनको ही सिर्फ एंट्री दी गई है। तो ऐसे में अब नियंत्रित रूप से जो प्रशासन की कोशिश है कि नियंत्रित तौर पर सारी चीजें, जो जीवन आवश्यक चीजों की सप्लाई है, वो आप तक पहुंचे, और आप अपने घरों में बैठे रहकर भी आप आराम से अपना दिन किसी तरह से गुजार सकें, जितने दिनों का लॉकडाउन है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब इस तरह की कंडीशन चल रही है तो समाज के और लोग किस तरह से अपना काम निकाल रहे हैं, जैसे दैनिक मजदूर थे या साफ सफाई में लगे हुए लोग हैं, वो
किस तरह से खतरा मोल लेके, जो डॉक्टर है वो किस तरह से खतरा मोल लेके आपके लिए हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, अपनी मेडिकल और जो स्वच्छता सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। आज फिर हम इसीलिए हम धीरज अग्रवाल जी से फिर एक बार हम रूबरू हो रहे हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो एसेंशियल कम्युनिटी में आता है। आज आप MIDC में भी गए थे, बहुत सारी आपने उस इलाके का दौरा भी किया है जो APMC से लेके, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है ये कनेक्टिंग आपका बिजनेस है, जो जीवन आवश्यक चीजें हैं उनकी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो आपने MIDC में भी घूम के आपने देखा होगा कि किस तरह की वहां कंडीशन है और किस किस तरह के अभी इस वक्त जो कंपनियां उनको चालू किया गया है। आपको फिलहाल आज की स्थिति क्या नजर आई धीरज जी? सुधीर जी, मैंने कल जैसे कि हमारी बात हुई तो उसमें चर्चा हुई कि एसेंशियल कमोडिटी वालों को चालू करने के सरकार के निर्देश हैं, लेकिन पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके वो ही चला सकते हैं। तो इस मामले में जो प्रशासन है और पुलिस है काफी कोऑपरेट कर रहे हैं, भले ही मैन पावर की कमी है लेकिन किसी ना किसी तरह से कोऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोऑपरेशन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि MIDC में तो बाकी सारी तो जितनी फैक्ट्रियां हैं वो तो बंद हैं, कहीं पर काम चालू नहीं है, लेकिन कुछ एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं या कंटिन्यूस प्रोसेस वाले हैं उनको ही केवल जो परमिशन है और वो भी सीमित मैन पावर के साथ में, सीमित वर्करों के साथ में वो लोग चला रहे हैं, पर्टिकुलर जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए वो चला रहे हैं। और सड़कों पे भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बिल्कुल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चल रही हैं गाड़ियां उनको ही सिर्फ अलाउड है, बाकी किसी को अलाउड नहीं है। और बाकी भी जो वर्कर्स आ रहे हैं उनको ID कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह कंपलसरी है, नहीं तो उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो इस मामले में पुलिस पूरा एहतियात बरत रही है और APMC में भी यही सिचुएशन है। आपने भी गौर किया होगा, आज चालू किया था तो काफी लिमिटेशन में आज वहां पे सारी व्यवस्था थी पुलिस की और 200 से ज्यादा गाड़ी नहीं छोड़ रहे थे, तो लेकिन फिर भी काफी असमंजस की स्थिति है। अच्छा। क्योंकि माल आया है बहुत सारे, उसके जैसे लेनदार, कहीं पर लेनदार नहीं है तो कहीं पर देनदार नहीं है, कोई मतलब व्यवस्थित एक जो सुचारू रूप से चलता है मार्केट वो तो इस समय पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अफरा तफरी में मार्केट जैसे तैसे चल रहा है। और मेरे ख्याल से प्रशासन का और पुलिस का ये काम सही भी है, क्योंकि महामारी इस तरह की है कि पूरा एहतियात बरतना जरूरी भी है, नहीं तो ये बहुत बढ़ सकता, बहुत तेजी से हो सकता है। अब जैसे आपने कहा कि प्रशासन जो पुलिस है और जो महानगर पालिका है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो काफी सहायता भी कर रहा है और काफी कोऑपरेशन कर रहा है हर मामले में। एसेंशियल कम्युनिटी स्टार्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो जो परमिशन प्रक्रिया इस वक्त नवमी महानगर पालिका के अंदर है तो किस तरह से उनका सहयोग आपको मिल रहा है? जैसे कि सरकार ने कहा है एसेंशियल कमोडिटीज में, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी है तो एग्रीकल्चर कमोडिटी और मेडिकल एड फिलहाल तो यही चल रहा है, या फूड प्रोडक्ट्स है एसेंशियल, जैसे किराने वगैरह का जो सामान है, तो इनके लिए स्पेशल परमिशन वगैरह बोल के ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन इनको देना पड़ता है प्रशासन को, पुलिस को, कि हम लोग ये सामान लेके जाएंगे और पर्टिकुलर कुछ व्हीकल पे उसका नोटिफिकेशन रहेगा, हर व्हीकल पे चारों तरफ नोटिफिकेशन की जरूरत है, व्हीकल में लेटर, किस काम के लिए ये व्हीकल इस्तेमाल हो रही है, किस काम के लिए ये व्हीकल जा रही है, क्या सामान रहेगा इसमें आवाजाही में, पर्टिकुलर ड्राइवर के साथ में और एक कंपनी का आदमी रहेगा प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के साथ में, कंपनी का लेटर रहेगा और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे माल के, तो ये सारी चीजें फॉर्मेलिटीज जो है, और जो लोकल प्रशासन है उसको एक नोटिफिकेशन करना जरूरी है कि ये इस कारण से ये गाड़ी निकली हुई है। मतलब ये है कि लोकल प्रशासन अच्छा काम कर रहा है आपकी नजर में, ये तो दिख रहा है साहब? तो जी 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 बिल्कुल, इस मामले में ऐसा मुझे तो कुछ भी नहीं लगा कि किसी तरह के वो लोग कोऑपरेशन नहीं कर रहे, क्योंकि मेरी जहां भी एक दो जगह बात हुई मुझे तो पूरा कोऑपरेशन मिला है और एटीट्यूड भी मुझे काफी पॉजिटिव लगा। ये महानगर पालिका कमिश्नर जो है AB मिसाल, उनके हाथ में ये पूरा
जो नियंत्रण है एक तरह से उनको मॉनिटरिंग अथॉरिटी के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। और ये बहुत बहुत एक नवीन शहर के लिए बहुत अच्छी बात है कि इस दौर में जबकि दूसरे अन्य शहरों की अपेक्षा मुंबई में हालात बहुत ही नियंत्रण में है, फिलहाल 917 लोग जो जानकारी दी गई है पोषण कमिश्नर की तरफ से और महानगर पालिका कमिश्नर से, तकरीबन 1000 लोग जो संख्या पता चली है कि 1000 लोग तकरीबन क्वारंटाइन में ऑलरेडी महानगर पालिका की निगरानी में रखे गए हैं, जो उनकी मेडिकल टीम है उनकी निगरानी में अलग अलग हॉस्पिटलों में जो क्वारंटाइन जो बेड उपलब्ध कराए गए वहां पर उनको रखा।